नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। 20th of May है, मंडे का दिन है। राहुल काल का समय आज मॉर्निंग का रहेगा 8:35 AM से लेकर के 9:45 AM तक का। चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा विधा आपकी राशियों के साथ और बात करते हैं आज का दिन कैसा है। एरीज के लिए कार्ड निकल रहे हैं 2 of Cups एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। आज थोड़े से ही प्रयास से आपके काम बन जाएंगे, कार्य की प्रशंसा भी होगी और व्यवसाय भी बेहतर रहेगा। आज के दिन में थोड़ी बहुत आशंकाएं रह सकती हैं किसी न किसी बात को लेकर के। नए व्यवसाय के लिए लोन आज लेने के बारे में सोच सकते हैं। वृषभ राशि द टार रिवर्स कारण 4 of Pentacles कार्ड निकल रहा है। उत्साहवर्धक कोई सूचना आपको मिल सकती है। स्वाभिमान बना रहेगा लेकिन भागदौड़ आज रहेगी पूरे दिन भर में। संतान पक्ष की चिंताएं आज बढ़ सकती हैं। आप कोशिश करें उनको उनके साथ बैठ करके कुछ समय ज़रूर बिताएं। आज के दिन में कोई भी व्यापारिक बात जो है उसे गोपनीय बनाए के रखें, तभी आपका काम जो है वो बन सकता है। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए छोटा सा उपाय है, आज के दिन में सुबह उठ करके शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगा जल जरूर अर्पित करें। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि। एस ऑफ सॉल्स एंड पेज ऑफ वॉन्स कार्ड निकल रहा है। जेमिनाइज के लिए नई चीज़ों की खरीदारी का योग बन रहा है। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। आज व्यवसायिक यात्रा काफ़ी बेहतर रहेगी। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, वो प्रयास आज के दिन में सफल हो सकते हैं। दूध मिला करके स्नान करना आज आपकी एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करेगा। कर्क राशि 6 of Wands एंड द मून कार्ड निकल रहा है। खर्चे बढ़ सकते हैं, आज कर्ज लेना पड़ सकता है आप लोगों को। विवाद को बढ़ावा नहीं देंगे तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज के दिन में कलह कलेश संभव दिखाई दे रहा है। लेन देन में सावधानी बरतेगा। कार्य क्षेत्र की समस्याएं हालांकि आज दूर होंगी, कोई भी काफ़ी समय से जो इशू चल रहा था वो खत्म हो सकता है। चावल का दान करना आज आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि द सन एंड द स्ट्रेंथ कार्ड निकल रहा है। कष्ट भय चिंता का वातावरण आज बन सकता है। कोशिश कीजिए एंग्जाइटीज़ को ख़त्म करें और लोगों से बातचीत थोड़ा सा कम कीजिए। आज के दिन में यात्राएं आपकी सफल होंगी, धनार्जन हो सकता है, लाभदायक योजनाएं भी बन सकती हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना करना आज अच्छा है। कन्या राशि कार्ड निकल रहे हैं। द जस्टिस एंड द सेकेंड कार्ड इज 10 of Cups। यात्रा में सावधानी बरतना आज बहुत इंपॉर्टेंट है। राजकीय बाधा आज संभव हो सकती है। कहीं ना कहीं पे नई योजनाएं बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्य प्रणाली में हालांकि सुधार हो रहा है, काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा। कोई भी काम बनने से आज प्रसन्नता रहेगी। उपाय क्या रहेगा, आज राहु काल में यात्रा नहीं करनी है, साथ ही में आज हो सके तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि द डेविल एंड सेकेंड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स। आप लोगों के लिए धार्मिक आस्था में वृद्धि होगी। सत्संग का लाभ आज आपको जरूर मिलेगा। कानूनी अड़चनें आज दूर हो सकती हैं। कानूनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य था वो आज खत्म हो जाएगा। धन लाभ के योग नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत कष्ट संभव है, शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। राइबल्स आज कहीं ना कहीं पर आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। संध्या काल के समय दीप दान करना अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि कार्ड निकल रहे हैं 6 of Cups एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। लेन देन में सावधानी बरतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फिजूल खर्ची पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय में बढ़ोतरी के योग नजर आ रहे हैं। काली मिर्च का सेवन करना आज अच्छा है आपके लिए। चलिए बात करेंगे धनराशि। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 of Swords कार्ड निकल रहा है। शारीरिक कष्ट कहीं ना कहीं पर संभव है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत का। जीवन साथी से सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। कानूनी बाधाएं आज के दिन में दूर हो रही हैं। धन प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं, साथ ही में रोजगार में उन्नति के अवसर आज आपको जरूर मिलेंगे। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा दान कीजिए किसी भी मंदिर में जाकर के। आपकी जो खासतौर पर कामकाज से जुड़ा हुआ काम प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। मकर राशि क्वीन ऑफ सॉल्स एंड एस ऑफ कप्स कार्ड निकल रहा है। संपत्ति की खरीद फरोख्त जो है आज संभव है। रोजगार मिलेगा, आय में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई पुराने रोग उभर सकता है, तो हेल्थ इश्यूज को निग्लेक्ट मत कीजिए। आज कोशिश करनी है कि कोई भी अप्रिय समाचार अगर आपको मिलता है तो उससे बहुत जल्दी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो टेम्प्ररी फेज रहेगा। तो इसलिए आप दृढ़ निश्चय रखिए और साथ ही में सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन कीजिएगा। केसर का भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे, किसी भी मिष्ठान के साथ आपके लिए अच्छा है। कुंभ राशि क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 of Cups कार्ड निकल रहा है। पार्टी पिकनिक आनंद आज मिल सकता है कुंभ राशि वालों को। विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी। व्यवसाय हालांकि ठीक चलेगा, रुके हुए पैसे कहीं से वापस आ सकते हैं। छोटा सा उपाय, आज काले रंग का प्रयोग करने से बचना है। मीन राशि आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हैंगमैन रिवर्स कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स। तो कोई शोक समाचार मिल सकता है आज मीन राशि वालों को।
चलिए बात करेंगे मीन राशि का। आज निकल रहे द हैंग मैन एंड किंग ऑफ कप्स, तो आज कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी बुरी खबर जो है वो मिल सकती है। थोड़ा सा लेजीनेस को अवॉइड कीजिएगा, हालांकि भाग दौड़ रहेगी, नेगेटिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है आज के दिन में। अच्छा ये है कि आप लोगों के लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, आज रुका हुआ काम जिस काम में डिले आ रहा था वो पूरा हो सकता है। तांबे का पात्र किसी मंदिर में जाकर के दान करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।